रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम बनाएंगे खारी सेवई की रेसिपी। चलिए आप देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दो बड़े साइज कटे हुए कांदा, दो मिर्ची, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हरे धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती कटी हुई, दो दालचीनी, एक बड़ी इलायची, दो हरी इलायची, दो लौंग, एक तेज़पत्ता, चार अंडे, 200 ग्राम सेवई, चार टमाटर का पेस्ट। अभी हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। अब हम सेवई को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अभी इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। फिर वापस से कढ़ाई रखेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दो बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता और खड़े मसाले। अभी इसमें हम लोग कांदा ऐड करेंगे। अब इसका कलर चेंज होने तक इसे तेल में फ्राई करेंगे। अभी इसका कलर चेंज हो चुका है, इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन और कांदा अभी अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चार टमाटर का पेस्ट। इसे अच्छे से मिलाएंगे। जब इसमें से तेल छूटने लगेगा, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक भी ऐड करेंगे। दो मिर्ची ऐड करेंगे। इन सभी मसालों की कच्ची स्मेल जाने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। अभी पुदीने की पत्ती थोड़ी सी ऐड करेंगे। हरा धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल छूट रहा है। मसालों में से तेल छूटने के बाद अभी ऐड करेंगे पानी। 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अभी पानी में उबाल आने तक छोड़ देंगे। अभी इस पर ढक्कन बंद कर देंगे। एक उबाल आने तक वेट करेंगे।
अभी पानी में से उबाल आने लग गया है, ढक्कन हटाएंगे। और अंदर तोड़ कर ऐड करेंगे। अभी हम इसे मीडियम गैस पर रखकर ढक्कन बंद करकर 4 मिनट छोड़ देंगे। अब हम चेक करेंगे हमारे अंडे पक चुके हैं क्या। अभी हमारे अंडे पक चुके हैं, अभी हम इसमें ऐड करेंगे खारी सेवे। गैस फास्ट कर दीजिए, इसमें सेवई ऐड कर लीजिए। अब हम वापस से ढक्कन ढक देंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वापस से ढक्कन ढक देंगे। गैस स्लो कर दिए। अब हमारी सेवई बन चुकी है। देखिए हमारी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारी खारी सेवई की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी।